तुम्हें आपको बता रहा था चाणक्य की बात, कुचेलिनम दंतमलोपधारणम भावासनम निष्ठुर भाषणम च। जो कठोर बोलता है उसको भी लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है, उसकी किस्मत फूट जाती है। और सूर्योदय चास्तामिते सयानम, जो सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सोता है, विष्णु भगवान क्यों न हो, उसको भी लक्ष्मी छोड़कर चल देती है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, दोपहर में सो लेना, नींद ज्यादा आए, लेकिन सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय सोने की कोशिश मत करना। उठ जाना, जागो और जगाओ। एक पहलवान भी सवेरे उठ करके कसरत करता है तब जिला लेवल का पहलवान कहलाता है। मिलिट्री और पुलिस में भर्ती होने वाले स्टूडेंट सवेरे 4 बजे उठ करके 10 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। सवेरे की ठंडी ठंडी हवा, मीठी नींद को त्याग करके दौड़ रहे हैं, तब वे मिलिट्री में अफसर बनते हैं और पुलिस के इंस्पेक्टर बनकर आते हैं। तब उनकी वर्दी देख करके तुम घबराते हो कि उनसे पूछो कितनी मेहनत पड़ी है। बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेहनत से कभी मत डरो। विद्यार्थियों को मैं कहूंगा, जागने में कभी आलस्य न करना, पढ़ने में कभी भूल न करना, मन लगा करके शिक्षा प्राप्त करना। इसका परिणाम 25 वर्ष की उम्र के बाद मिलेगा, फिर जीवन भर खुश रहोगे। बचपन में थोड़ा कठोर श्रम कर लो, थोड़ा आराम को त्याग दो, फिर जिंदगी भर आराम करते रहो, बहुत फायदा है। आपका घर तीर्थ बने, मन मंदिर बने, तन तीर्थ बने, कर्म धर्म बने, आपकी वाणी अमृत वाणी बने, आपका जीवन सुखद हो, बुराइयां आपकी छूटे, अच्छे इंसान आप बने, आपका घर स्वर्ग जैसा सुंदर हो और गुरुदेव की भक्ति भी आप कर सकें, गुरु नाम ले सकें, टीवी चैनल में प्रवचन भी सुन सकें, ऐसी आपकी श्रद्धा जागृत हो। सद्गुरु कबीर साहेब से किसी भक्त ने पूछा है कि भगवान कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, राम कहाँ रहता है, परमात्मा का निवास कहाँ है। जिस ईश्वर को ढूंढते ढूंढते जीवन की शाम हो जाती है, भगवान को खोजते खोजते आदमी स्वयं खो जाता है, राम को ढूंढते ढूंढते 100 वर्ष की जिंदगी गुजर जाती है। हे राम, हे भगवान, हे परमात्मा, तुम कहाँ रहते हो? ये कबीर साहेब से प्रश्न पूछा। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से श्रीमद् भगवत गीता में प्रश्न पूछा है कि ईश्वर कहाँ रहता है। चाणक्य से प्रश्न पूछा गया कि परमात्मा का निवास कहाँ है, और वेद ऋषियों से भी पूछा गया कि ये ब्रह्म परमात्मा गाड कहाँ रहता है, इसका परिचय क्या है। एक ही प्रश्न बहुत जगह पूछा गया है। कठोपनिषद में यमराज से नचकेता पूछ रहे हैं
कि परमात्मा कहाँ रहता है। और आज अगर मैं परमात्मा का एड्रेस बता दूं तो तुम रात भर सोओगे नहीं, अपनी अपनी गाड़ी लेकर परमात्मा की तरफ निकल पड़ोगे। इसलिए आज नहीं बताऊंगा, अगले साल आऊंगा तब बताऊंगा। पर भगवान का एड्रेस भी ऐसा है कि जितना तुम बाहर ढूंढोगे उतना भगवान से दूर होते चले जाओगे। ढूंढना बंद कर दोगे, क्योंकि भगवान खोने जैसी चीज नहीं है। और यदि भगवान खो जाए तो क्या इंसान उसको ढूंढ पाएगा? और जो चीज खोई नहीं है उसको ढूंढना भी व्यर्थ है। समझना है कि कहाँ है। बस मैंने सुना है एक किसी घर में कोई पति ऑफिस को जा रहा था तो उसका चश्मा नहीं मिल रहा था और चश्मा के बिना उसे दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो उसने चश्मा ढूंढा पर मिला नहीं, तो अपनी पत्नी से कहा कि तुम सहयोग करो और चश्मा ढूंढने में मदद करो। पत्नी उसी का नाम है जो पति को मदद करे, उसका नाम पत्नी नहीं है जो पति को परेशान करे, मदद करे। पति उसी का नाम है जो पत्नी से प्रेम पूर्वक रहे। पति उसे नहीं कहते हैं जो पत्नी को दुख दे। दोनों दोनों का ख्याल रखें तो पति पत्नी है। पत्नी भी ढूंढने लगी, 5 मिनट हो गए, ऑफिस लेट हो रहा है, चश्मा नहीं मिला। तो पति को गुस्सा आ गया, जोश आ गया और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर झकझोर डाला और कहा, मूर्ख, तू मेरी पत्नी बनकर सब बिगाड़ दिया। चश्मा जब नहीं संभाल सकती है तो मुझ जैसे पति को क्या खाक संभालेगी। तो पत्नी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, उसने कहा, मैंने चश्मा संभालने का संकल्प विवाह के समय नहीं लिया था। बहुत कठिन है, कितने पतियों के पास में 10-10 चश्मा है। मुंह तो नहीं बदलता है पर चश्मा हर घंटे में बदलता है, बड़ा रंगा रंग है। धीरे धीरे चश्मा फैशन भी बन जाता है। और एक बार चश्मा अटैच होकर आंखों पर आ गया फिर चश्मा झंझट भी बन जाता है। चश्मा जिनकी आंखों पर नहीं लगा है वह ज्यादा सुखी है, वाह वाह। और जिनकी आंखों पर लग गया है आधी तेजी उनकी खत्म हो गई, न जाने क्या लटक रहा है। मेरे चश्मा लगा है तो मुझे इससे फायदा है, इसलिए लगाया हूं। क्या फायदा है कि बहुत से लोग मेरे ऊपर फूल फेंकते हैं तो ये चश्मा मेरी आंख को बचा लेता है। नहीं, अब तक तो हमको निपटा देते लोग, सूरदास बना देते। और लोग कहते हैं कि नेत्रहीन महात्मा है। बहुत फूल फेंका है मेरे ऊपर। कोई नाराजी में नहीं फेंकता है, प्रेम में फेंकते हैं लोग, श्रद्धा से लुटाते हैं फूल। लेकिन याद रखना, जो मंदिर में भगवान की मूर्ति है उस पर तो फूल फेंको, माला फेंको, धतूरा फेंको, दूध फेंको, कुछ फेंको चलेगा, पर ये जिंदा मूर्ति गुरुदेव के ऊपर फूल मत फेंकना। वो जिस राह से आ रहे हैं उस राह में पुष्प बरसा देना, वो फूलों पर चरण रखते हुए। जो गुरुदेव की राह में फूल बरसाता है
उसके जीवन की राह फूल जैसी कोमल हो जाती है, उसकी जिंदगी की राह में दुख के कांटे नहीं आते। इसलिए रात में सत्संग होगा तो फूल लेकर आना, पूरा यहां से लेकर वहां गली तक फूल बरसा दो। क्या दे सकते हैं तुमको प्रभु, एक फूल दे दूं और एक अपनी भूल दे दूं। फूल ले लेना स्वीकार करना, मेरे जीवन को फूल जैसा खुशबूदार और कोमल और सुगंधित और सुंदर बना देना, और मेरी भूल को ले लो ताकि मैं कभी दुख न पाऊं, भूल न करूं, मुझे भूलने न देना संसार में, भूलने से बचा लेना। हम कभी शराब में भूल जाते हैं, कभी ताश में, कभी मांस मछली अंडा में, कभी तंबाकू और पुड़िया में, और कभी बीड़ी सिगरेट में। ये जीव कदम कदम पर भूलता रहता है, ये भूलने से अगर बच जाए तो ये जीव के समान सुखी और कौन हो सकता है। और भूल कैसे मिटेगी, भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे ही लखाई, कहें कबीर भूल की और सब पारक सब की भाई। भूल तब मिट सकती है जब पारखी गुरु मिल जाए, पारख दृष्टि दे दे, परखने की आंख दे दे। ऐसे तो आप सब पारखी है लेकिन स्वयं को नहीं परख पाते हैं, बाकी सब परखते हैं। आप सामान मार्केट में खरीदते हो तो परख कर खरीदते हो, कपड़ा परख कर लेते हो, जूते चप्पल भी परख कर लेते हो, यहाँ तक गुरु बनाते हो तो भी परख कर बनाते हो। और परखने में गुरु पास हो गया तो गुरु बन जाता है, अन्यथा उसको तुम आगे बढ़ा देते हो कि तुम फेल हो गए। गुरु केवल शिष्यों की परीक्षा नहीं लेता है, बल्कि लाखों शिष्य गुरु की परीक्षा ले रहे हैं। उनकी परीक्षा में जो गुरु खरा उतर जाए वही गुरु गुरु बनता है, अन्यथा तो यूं ही पड़ा रहता है। इसलिए बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं हम आपको गुरु बनाएंगे, तो मैं सोचने लग जाता हूं ये मुझको गुरु बना देंगे, मैं इनको शिष्य बना दूंगा। शिष्य छोटा होता है, गुरु बड़ा होता है। ये जिसको बनाएंगे वो बड़ा बनेगा, मैं जिसको बनाऊंगा वो छोटा बनेगा। तो बड़ा को बनाने वाला फिर कितना बड़ा होता है, तो गुरु बनाने वाला वो गुरु से भी और महान दिखाई दे रहा है। कल मेरे पास में करीब 8-10 लोग आए, बोले गुरु मंत्र लूंगा, आपको गुरु बना दूंगा। मैंने कहा बना दो, नहीं तो बिना गुरु ही रह जाऊंगा, बनाओ गुरु हमको। और बात सच भी है, अगर बेटा ना होता तो तुम बाप नहीं बनते, अगर शिष्य ना होता तो गुरु नहीं बनते, अगर भक्त ना होता तो भगवान नहीं बनते, अगर पत्नी ना होती तो पति नहीं बनता, पति नहीं बनता। पत्नी तुमको पति की डिग्री देती है। जो आपके घर में बहू आती है ना, बहू तो बहू बनकर आती है लेकिन तुमको सासू की डिग्री दे देती है। जिसके घर में बहू नहीं है अब कौन कहे सासू जी ससुरा जी। बहू तुम्हें सासू बना देती है, इतना बड़ा सर्टिफिकेट दे देती है। इसलिए बहू का ख्याल रखना, अन्यथा कभी अपना सर्टिफिकेट वापस ले सकती है और तुम सासू नहीं रह सकती हो। कौन कहेगा सासू। आज बहुओं को बहुत अच्छा लगा होगा कि फुल पावर पर हूं, कभी भी डिग्री वापस कर सकती हूं। लेकिन याद रखना, सासू बहू, पति पत्नी, गुरु शिष्य, भाई बहन, देवरानी जेठानी, पिता पुत्र, ये सब ऐसे जोड़ा के रिश्ते हैं। इसमें से एक ना हो तो दूसरे की शोभा बिगड़ जाती है। दोनों दोनों के पूरक हैं, दोनों दोनों की शोभा बढ़ाते हैं,
इसलिए दोनों दोनों से जुड़ करके रहना, तभी आपकी शोभा है और सबकी शोभा है। साहिब बंदगी, वो मैं चश्मा वाली कथा सुना रहा था। तुम सोचते होगे कहां से कहां ले जाते हैं। सत्संग की लाखों गलियां होती हैं, सब में घुमाना है आपको थोड़ा थोड़ा। साहिब साहिब साहिब, भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे ही लखाई, कहें कबीर भूल की औषध पारख सबकी भाई। पारख दृष्टि जिसको मिल जाती है उससे फिर भूल नहीं होती है, और जिससे भूल ना हो उसके जीवन में सूल नहीं रहती है। सबसे बड़ी भूल है कि हम स्वयं को भूल गए हैं। हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, आई एम क्या, आई एम आत्मा, आई एम सॉल, मैं आत्मा हूं, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा कौन है? उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे चापिक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये आत्मा ही तो परमात्मा है। कृष्ण ने कहा, पुष्पी गंधस्थिले तैलम काष्ठे बहिण्य उपयोग घृतम इच्छो गुणम देहे पश्चात मानम विवेकता। चाणक्य ने कहा है कि जैसे पुष्प के अंदर गंध, तिल के अंदर तेल, दूध के अंदर घी, लकड़ी के अंदर आग, गन्ने के अंदर गुड़ छिपा होता है, लेकिन एक साधना के द्वारा वो बाहर निकल कर आता है, ऐसे तुम्हारे देह के अंदर ये आत्मा रूपी परमात्मा छिपा हुआ है, ये भक्ति के द्वारा विवेक से दिखाई देता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है। हम में राम, तुम में राम, सब में राम, तो कैसे करें गलत काम। जिसके यहां चोरी कर रहे हो उसमें भी राम है, जो चोरी करने गए वो भी राम है, और चोर को जो पकड़ता है उसमें भी राम है, और चोर को पिटाई करे उसमें भी राम है, और चोर को जो जेल में बंद करे उसमें भी राम है। बड़ा विचित्र राम है, एक राम चोरी करने गया है, दूसरा राम पकड़ने गया है, ऐसा क्यों हो गया? इसका कारण है, जब तुम मन की सलाह से चलते हो तब तुम राम के प्रभाव में नहीं रहते हो, फिर तुम रावण के प्रभाव में आ जाते हो। इंद्रियों की सलाह से चलते हो तो कंस और दुर्योधन के प्रभाव में आ जाते हो। जब आत्म ज्ञान के अनुसार चलते हो तो तुम राम और परम राम परमात्मा के रूप में पहुंच जाते हो। मैं आपको सुना रहा था, किसी पति का चश्मा खो गया है, यही कहानी थी ना, चश्मा ढूंढ कर दे देता हूं, बेचारा ऑफिस चला जाए। पति को जोश आ गया और पत्नी का हाथ पकड़कर झकझोर डाला कि तुझे इतनी अकल नहीं है कि मेरा चश्मा कहाँ रख दिया इधर उधर। तो पत्नी ने कहा, माफ करना, चश्मा तुम्हारा है, मैं इधर उधर क्यों रखूंगी, और मेरे पर नाराज हो रहे हो, जरा गौर से देख लो, चश्मा के बिना जब तुम्हें दिखाई नहीं देता है तो चश्मा ढूंढते कैसे हो। चश्मा तो आंखों पर लगा है और चश्मा घर में ढूंढ रहे हो, चश्मा लगाकर चश्मा ढूंढ रहे हैं, कैसे मिलेगा चश्मा। वस्तु अंते खोजे अंते क्यों करे आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख रखे साथ। पति देखता है चश्मा तो आंखों पर लगा है, शर्मिंदा हो गया और पत्नी से कहा, कोई बात नहीं, मैं ऑफिस जा रहा हूं। याद रखना, ऐसे ही भगवान को तुम बाहर ढूंढ रहे हो, लेकिन भगवान तो तुम्हारे भीतर बैठा है,
अंदर छिपे हुए भगवान को पहचान लो। एम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्म, तत्वमसी ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, चारों वेदों का सार है कि आत्मा ही ब्रह्म का रूप है, ईश्वर का रूप है, आत्मा ही परमात्मा का रूप है। फिर भी इंसान पारख के बिना बाहर ढूंढ रहा रहता है, भगवान बाहर नहीं है। कबीर कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाही, दुनिया जाने नाही। भीतर ढूंढो राम को, सब में वही है नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया। सब में वही है नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया। धन्य हो, महान हो तुम। सब में वही है नूर समाया। संत एकनाथ की कथा है, एक बार तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। अपनी अपनी सुराही में गंगा जल भरकर भगवान को गंगा जल चढ़ाऊंगा, रामेश्वरम नाथ में चढ़ाऊंगा। उनके साथ में मुक्ताबाई, संतों का पूरा मेला था। गीत गाते, भजन गाते, कीर्तन करते करते सब संत जा रहे हैं। सबके पात्र में गंगा जल है कि रामेश्वरम नाथ में चढ़ाऊंगा, लेकिन रास्ते में सड़क के किनारे एक प्यास से व्याकुल तड़फ रहा गधा पड़ा था। संत एकनाथ ने अपनी सुराही को खोलकर गधे को जल पिला दिया। साथ में जितनी संतों की टोली थी, भक्तों का काफिला था, सब भड़क गए कि हद मार दी संत एकनाथ, तुमने जो गंगा जल भगवान के लिए था वो गधे नाथ को पिला दिया। रामेश्वरम नाथ का जल गधे नाथ ने पिया और एकनाथ ने पिलाया। सब नाराज हो। संत एकनाथ ने कहा, माफ कीजिएगा, रामेश्वरम नाथ को जल अर्पण करने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन इस गधे नाथ को जल पिलाने वाला केवल संत एकनाथ है जो गधे नाथ को पिला। सब नाराज हो गए। संत एकनाथ ने कहा, ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो वहीं पर हम नया पानी भर के गंगा जल मान कर भेंट कर दूंगा। बोले, ऐसे थोड़े चलता है, वहीं मान लोगे, मानने से कुछ होता है। बोले, नहीं होता है तो भगवान से क्षमा मांग लूंगा। कहते हैं कि जब वहां जल भेंट करने लगे सब लोग, सभी संतों की टोली क्रमशः भक्तों का काफिला जल अर्पित करने लगा रामेश्वरम नाथ में, कुछ नहीं हुआ। जब संत एकनाथ ने वहीं से जल भरकर अर्पित किया तो आकाशवाणी हो गई, संत एकनाथ, क्यों व्यर्थ तू जल अर्पित कर रहा है? रामेश्वरम नाथ को तो जल रास्ते में पिला कर तू आया है, वो गधा नहीं था, उसके अंदर रामेश्वरम नाथ ही थे। सब में वही है नूर समाया, इसलिए तुम्हारे द्वार पर कोई गाय पली हो उसकी भी सेवा प्रेम से करना। द्वार पर कुत्ता बैठा हो तो टुकड़ा उसको भी दे देना। ऐसा कहीं ना हो तुम भोजन खाकर निकलो, कुत्ता टुकुर टुकुर देखता रहे, एक टुकड़ा भी न दे सको दे देना। क्योंकि हो सकता है ये कुत्ता भी, ये जानवर, ये बैल, ये गाय, ये भैंस तुम्हारे द्वार पर जो आकर के बंधे हैं, आए हैं, ये तुम्हारे कोई ना कोई जन्म के रिश्तेदार हैं। इसलिए उनकी आत्मा उसी मोह में यहाँ आई है, उनको ख्याल रखना। घर में तुम्हारी बहू है, उसके भी खाने पीने का ख्याल करना, बहू को ध्यान रखना और बहू को अच्छा खिलाना, अच्छा पिलाना,
कभी कभी बहू को थोड़ा बादाम भी खिला देना, क्योंकि बादाम जिस समय माँ गर्भवती होती है अगर उसे बादाम खिलाओ, अंजीर खिलाओ, पिस्ता खिलाओ, काजू नहीं, याद रखना उल्टा मत खिला देना। बहुत बुद्धिमान संतान का जन्म होता है। और संतरा खिलाओ, टमाटर खिलाओ, सेव खिलाओ, फल, बहुत सुंदर संतान का जन्म होता है। इसलिए बहुओं को बहुत अच्छा खिलाया करो और सासुओं को थोड़ा व्रत रखाया करो कि व्रत रहो। अब कुछ जरूरत नहीं है, रिटायरमेंट है, लेकिन सासुओं को बहुओं की ड्यूटी देता हूँ, जब घर में चाय बनाना सबसे पहले सासू को पिलाना, ससुर को पिलाना, भोजन बने दाल चावल रोटी सब्जी, सास ससुर के सामने थाल सजाकर प्रस्तुत कर देना, तो समझ लेना मंदिर में भोग लगाओ न लगाओ फिर भी तुमको सब भोग लगाने का फल वहीं मिल जाएगा। एक उम्र ऐसी आती है फिर काजू वाजू खाना बंद करो, बादाम बहुओं को खिलाओ, लेकिन ज्यादा मत खाना, दो बादाम बस, क्योंकि बादाम गर्म होता फिर क्रोध बहुत आएगा तो उसको कौन संभालेगा, फिर सासू बोलेगी कि बादाम भी खिलाया और क्रोध भी मैं झेल रही हूं। कम खाना, अपने बूढ़े सास ससुर के साथ बैठकर थोड़ा हंस लेना, मीठी मीठी बात करना, और सासू को सासू मत कहना, उसको कहना तू मेरी माँ है। बहू को बहू मत बोलना, कहना तू मेरी बेटी है, और माँ बेटी बन करके घर को बहुत धन्य कर देना। कभी विवाद ना हो, सासू बहू में संवाद हो, सासू बहू में प्रेम हो, धन्यवाद हो, आशीर्वाद हो, वाद विवाद ना हो, तब समझ लो भारतीय संस्कृति का प्रभाव तुम्हारे घर में दिखाई दे रहा है। सुख जब किसी कबीर नानक महावीर कोई महान संत की रहम हो जाती है, सुख की बरसात हो जाती है, हमारी सोच चिंतन विचार सब पवित्र हो जाता है। जहाँ जहाँ दुख लग रहा था अब वहीं वहीं सुख लगने लगता है। सत्संग तुम्हारी सोच को बदलता है, सत्संग तुम्हारे स्वभाव को बदलता है, गम खाने की सामर्थ्य आ जाती है। और गम खा लेना, निवेदन करूँगा, गम खाने वाले महान होते हैं। गम खाने में संकोच मत करना, ये मत सोचना गम खाने से मैं छोटा हो जाऊंगा, छोटे नहीं होंगे। राम ने परशुराम की गम खाया था तो क्या राम छोटे हो गए थे? अंत में गम खाने वाले राम से गुस्सा करने वाले परशुराम क्षमा मांग रहे हैं। अनुचित वचन कहूं अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। गम खाना, पड़ोसी की भी गम खा लेना, पड़ोसी को तंग ना करना, और अपनी पत्नी की भी गम खा लेना, कुछ उसके मन का भी कर देना, थोड़ा तुम्हें अच्छा न लगे तो भी उसके मन को खुश कर देना। राम सोने के मृग को मारने जाते हैं, क्या राम का मन था? नहीं था। लक्ष्मण का मन था? नहीं था। लेकिन सीता के मन को खुश करने के लिए सोने के मृग को मारने चले जाते हैं, और वहीं से समस्या कितनी लंबी बढ़ जाती है। पुनः सीता लंका में मिलती है, पंचवटी में नहीं मिलती है। इसलिए मैं कहूँगा, अगर तुम सीता के स्थान पर किसी घर में पत्नी हो तो सीता जैसी जिद मत करना कि सोने के कुंडल लाओ, गले का हार लाओ, अन्यथा याद रखना फिर बहुत दूरी हो जाएगी पति पत्नी में, बहुत दिन बाद मिलन होगा।
जिद मत करना, सरल स्वभाव की पत्नी बन जाओ, गले में हार हो ना हो, लेकिन पति आपको गले से लगा ले ये कोई कम हार नहीं है, ये तो जिंदगी की बहार है कि पति गले लगा ले।